हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ क्लास सूरज मैथ। तो अभी हम लोग अनवा पेपर न्यूमेरिकल लेके, और ये जो न्यूमेरिकल है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अगर पिछले 3 बार 4 पेपर उठा के देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये आपको ये न्यूमेरिकल जरूर देखेगा। और यहाँ इनफैक्ट यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग को दिख रही है, नए वैल्यूज भी सेम रहती है, उतना भी चेंज नहीं होता। तो अगर आप इसको कर दोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है, एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एक मॉडल बनाया है स्टूडेंट ने समझो बनाया है। तो हम लोग उस पर अनोवा टेस्ट करने वाले, और हम लोग को पता करना है कि जो हाउस प्राइस है ना प्रेडिक्टेड जो है ए बी और सी का, तीनों का सेम होना चाहिए, ऐसा हम लोग को मतलब दिया है। बट एक्चुअली में ऐसा होगा कि नहीं, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। इसका सेम होना चाहिए हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के जैसा, तो हम लोग चेक करते हैं कि वो होगा कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, सबसे पहला स्टेप होता था हमारा, हम लोग नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर करते थे। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे हाउस प्राइस, सॉरी मीन हाउस प्राइस प्रेडिक्टेड विल बी सेम, मतलब तीनों का जो तीनों है उसका जो है हमारा हाउस प्राइस प्रेडिक्टेड सेम ही होगा। तो हम लोग अभी क्या करें, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि एटलीस्ट टू हाउस प्राइस आर डिफरेंट, मतलब कम से कम जो है ना दो हाउस प्राइस जो है हमारा वो डिफरेंट होने वाला है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे हमारा, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, वेरियंस। तो जय, और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा ना तो पहले एक बार वो देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने सब चीज अच्छे से डिटेल में बताया, फॉर्मूला वगैरह वो सारी चीजें। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सम करने वाले, तो हो सकता है इसमें आपको डायरेक्टली ना समझे, लेकिन इसमें मैं बोलूंगा एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर इसको ट्राई करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग को वेरियंस कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। हमारा ये X1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये हो जाएगा X3, ये ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी के लिए, हम लोग ए के लिए 1 ले लिया, बी के लिए 2 और सी के लिए 3 ले लिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3.5, ये 3.9, ये 3.4 आएगा, फिर 3.8 आएगा, 3.5 आएगा, देन 3.4 आएगा। तो इतना हम लोग ने नोट कर लिया। अब इसके लिए भी करेंगे, तो ये कितना है, 3.9, 3.8, देन 3.7, 3.9 और 3.6। इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाले के लिए भी नोट करेंगे, जो कि होगा 3.5, 3.3, 3.6, 3.5 एंड देन 3.8। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो X1 J का स्क्वायर स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद हम लोग X2 J का भी और X3 J का भी, ये मेथड होता है जो हम लोग को करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 3.5 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 12.25, इसी तरीके से 3.4 का निकालोगे तो आएगा 11.56, 3.8 का अगर निकालते हो तो आएगा 14.44, फिर 3.5 का जो है वो आएगा 12.25 एंड देन 3.4 का फिर से 11.56। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले के लिए निकाला, इसी तरीके से हम लोग को सेकेंड वाले के लिए भी निकालना है X2 के लिए। तो इसका आएगा यहाँ पे 3.9 का आएगा 15.21, यहाँ आएगा 14.44, 13.69, 15.21, देन 12.96। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 12.25, 3.3 का आएगा 10.89, 3.6 का आएगा 12.596, और फिर बाद में जो है हमारा यहाँ पे कितना 3.5 है ना, इसका आएगा 12.25 और ये 3.8 का आएगा 14.44। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे वैल्यूज निकाल लिए। अभी हम लोग को इसका क्या करना है, सम निकालना है, क्योंकि हम लोग को आगे सम में जो है इसका जरूरत पड़ता है। तो इसका सम अगर हम लोग निकालेंगे, समीकरण ऑफ XIJ, तो कितना होगा, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 5, 22 और 4 हो जाएगा हमारा 26, कैरी 2 और 5 15, 17, तो कितना है 17.6।
इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9817 7 24 9 हो जाएगा हमारा 33 और देन 6 हो जाएगा 39 कैरी 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ये 5 3 8 6 14 5 19 और 8 हो जाएगा 27 कैरी 2 और 15 2 17 तो यार 17.6। इस तरीके से अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो आएगा 62.06, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 71.51 और इस पे आएगा 62.79। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी हम लोग एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं हमारा करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर जिसका जो फॉर्मूला क्या होता था, जो हमारा टोटल जो ग्रैंड टोटल होता था हमारा उसका स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर कितना है हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है वो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर निकालोगे तो 5 5 5 टोटल 15 है, तो यहाँ तो 15 आ जाएगा, एन की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो लिख भी लेते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल मतलब इन तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ दे, ये सबको मिला के मतलब बेसिकली इन तीनों की बात हो रही है, तो इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ोगे ना तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 54.2। तो हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 2937.64 डिवाइड बाई 15, जिसका आंसर आएगा 195.84। तो इस तरीके से हमारा ये करेक्शन फैक्टर मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आरएसएस निकालेंगे जो कि होता था रॉ सम स्क्वायर। तो रॉ सम स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर वाले वैल्यूज आए थे ना उन सभी को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रॉ सम स्क्वायर के लिए इसको इसको और इसको ऐड करना, मतलब समीशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर है ना, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 62.06 प्लस 71.51 प्लस 62.79। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा ना तो मेरा जो आंसर आता है यहाँ पे 196.36। तो ये हम लोग को यहाँ पे आएगा आंसर। तो ये जो है हम लोग को रॉ स्क्वायर सम मिला। अभी हम लोग को क्या निकालना रहता है, टोटल स्क्वायर सम। टोटल स्क्वायर सम का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ स्क्वायर सम माइनस हमारा जो ये करेक्शन फैक्टर। तो रॉ स्क्वायर सम हमारा कितना है 196.36, इसमें हम लोग अगर करेक्शन फैक्टर जो कि 195.84 माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 196.36 माइनस 195.84, तो ये यहाँ पे आएगा 0.52। तो ये हम लोग को टोटल स्क्वायर सम आया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, बिटवीन स्क्वायर सम, बिटवीन द क्लासेस स्क्वायर सम, जिसको हम लोग बीएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ टी आई स्क्वायर बाय एन माइनस सी आई। मतलब ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, हम लोग को ये जो है निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये टोटल है ना इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 17.6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई, मतलब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो डिवाइड बाय 5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आंसर आएगा 61.95। इसी तरीके से यहाँ पे 18.9 अपॉन 5 द होल स्क्वायर, सॉरी द होल स्क्वायर अपॉन 5 अगर हम लोग करते हैं तो इसका आंसर हम लोग को आएगा यहाँ पे 71.44। और यहाँ पे जो है 17.7 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे 62.65। तो अभी हम लोग इन तीनों को अगर ऐड करेंगे ना तो हम लोग को यहाँ पे समीशन चाहिए, तीनों को ऐड किया मतलब बेसिकली, तो तीनों को ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 196.04। और सी एफ जो करेक्शन फैक्टर हमारा क्या था, 196 पॉइंट, ये हम लोग को एक्चुअली में करेक्शन फैक्टर यहाँ पे 195.84 है। तो जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 हो जाएगा 2, 0.20 हम लोग को बीएसएस मिला, मतलब बिटवीन द क्लास सम मिला। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, विथ इन द क्लास सम। तो विथ इन द क्लास सम जिसको हम लोग डब्ल्यूएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है टीएसएस माइनस बीएसएस। तो टोटल स्क्वायर सम हमारा कितना है 0.52 और बी एस एस हमारा कितना है 0.20। दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा और 5 में से 2 गया तो 3, तो 0.32 ये हम लोग को विथ इन द विथ इन स्क्वायर सम आएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, पहले तो हम लोग ये क्या बोलते हैं बी एस एस के लिए निकालेंगे। तो बी एस एस मतलब बिटवीन द क्लास, मतलब टोटल 3 क्लास है हमारे पास ए बी एन सी, तो 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं ना, 3 में से 1 गया तो ये होगा 2। विथ इन स्क्वायर सम, विथ इन मतलब जो जो भी टोटल है हमारे, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने है नंबर, टोटल 15 नंबर से ऑफ डेटा, जिसमें ग्रुप कितने हैं
विथ इन द ग्रुप होता है तो तीन ग्रुप है, तो 15 में से 3 माइनस हो जाएगा एक एक सबके लिए, तो कितना आ जाएगा 12। इसी तरीके से अगर हम लोग टीएसएस के लिए निकालेंगे तो टीएसएस टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 15, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 14। ये हम लोग 3 इसलिए माइनस किया क्योंकि इसमें विथ इन द ग्रुप हम लोग करते हैं सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप है इसलिए हम लोग ने 15 में से 3 माइनस किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो है वेरियंस निकालने के लिए टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि पहला तो बीएसएस है, फिर WSS, लास्ट में TSS। अब ये जो हम लोग ने लिखा है ना, इससे हम लोग को यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा हमारा स्क्वायर सम जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो है। फिर हम लोग क्या करेंगे मीन निकालेंगे, मीन किससे निकालते हैं, स्क्वायर सम डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम लोग निकालेंगे लास्ट में वेरियंस। अभी वेरियंस क्या होता है, वेरियंस में फॉर्मूला होता है मीन ऑफ बीएसएस अपॉन मीन ऑफ WSS। तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं। तो बीएसएस का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आया था, वो आया था 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। WSS का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को 12 आया था तो 12 होगा, और ये 14 आया था तो 14 होगा। स्क्वायर सम हम लोग कितना आया था, अगर हम लोग चेक करेंगे बीएसएस का जो स्क्वायर सम आया था हमारा 0.20 आया था, तो ये होगा 0.20। WSS का आया था 0.32, और TSS टोटल जो आया था वो 0.52 आया था। तो मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 0.2 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.1। सेम 0.32 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा 12 जीरो जा, पहले तो जीरो लेंगे हम लोग, फिर से एक जीरो लेंगे, 12 टू जा 24 सिक्स जा, तो 0.026 आया। अभी वेरियंस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वेरियंस के लिए 0.1 अपॉन 0.026। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो आंसर आएगा 3.8461। तो ये हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग को वेरिएंस आया, ये तो हम लोग ने कैलकुलेट किया है ना। तो अभी हम लोग को ना एफ ऑफ अल्फा निकालना पड़ेगा। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो 2 और 12 है, और अल्फा की वैल्यू 0.05 दी हुई है। तो यहाँ पे अगर टेबल जो स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसमें अगर हम लोग 2 का 12 देखेंगे तो वो यहाँ पे 3.88 समथिंग दिया हुआ है वैल्यू। तो ये तो हम लोग को मिला अल्फा का वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, और जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वेरियंस उसकी वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो वो हम लोग को कितना है 3.8461। तो वेरियंस हम लोग को ने कैलकुलेट किया था जो एफ ऑफ टी था 3.8461। तो अगर दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है हमारा वो कम आया एफ ऑफ अल्फा से, और क्योंकि ये कम आया तो हम लोग जो है हमारा ये नल वैल्यू था उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखेंगे नल वैल्यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, मतलब वो जो तीनों सेम थे वो सेम ही रहेगा मीनिंग पर। तो आई होप आपको इस समझा, थोड़ा सा लेंथी समझा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम में जैसे ही आए आप उसको फटक से कर लो। और बहुत और वैल्यू सेम होता है तो अगर फिर से ये बार वैल्यू सेम कर दिया तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।